लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। अयोध्या में राम जी की मूर्ति का प्रतिष्ठापन है और आज यहाँ पे मातृ पिता जो पूजा हुआ था 22 जनवरी पे का जो उद्घाटन है तो बहुत ही अच्छा हुआ है। हम चाहते हैं कि आगे भी चल के ऐसे हो, बच्चों को प्रोत्साहन मिले आगे चल के, बहुत ही अच्छा था। स्वाभाविकशाली हूँ कि जो मुझे मेरे माता पिता का पूजन करने की प्रेरणा मिली। और ये माता पिता पूजन, ये दुनिया में ऐसी एक माँ ही होती है जो अपने को समझ सकती है और अपनी हजारों गलतियों को माफ़ कर सकती हैं। तो माँ के बारे में कोई वर्ड नहीं है, बट मुझे बहुत अच्छा लगा ये पूजा करके। मातृ पितृ का पूजन बहुत अच्छा लगा और हमारे स्कूल में ये प्रोग्राम राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के दिन रखा गया, इसके लिए और भी ज्यादा कि जो भगवान राम है अपने माता पिता की आज्ञा मानकर और 14 वर्ष का वनवास काटकर वो वापस, हमको ऐसा लग रहा है पूरी पूरे भारत में पूरे वर्ल्ड में ऐसा लग रहा है कि आज राम वाकई में राम वापस घर पे आ रहे हैं। तो हम सब बहुत खुश हैं और आज के दिन हमने मातृ पितृ पूजन रखा। हम जब मातृ पितृ पूजन हमारे बच्चे हमारी पूजा करते हैं तो हमें ये लगता है कि काश हम हमारे माता पिता की पूजन करते, हमारी आंखें नम हो जाती है। और मातृ पितृ पूजन का प्रोग्राम है ये बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा रहता है। धन्यवाद करना चाहती हूँ मातृ पितृ पूजन वाले सभी सहकारियों का, प्रिंसिपल सर का और मेरे प्यारे स्टूडेंट और टीचर्स का। यहाँ पे ये जो प्रोग्राम होता है ये बहुत अच्छा होता है, जो पेरेंट्स आते हैं वो भी आकर इसे और दुगना अच्छा करते हैं। यहाँ हर साल ये त्यौहार के रूप में इसे मनाया जाता है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है और यहाँ के हर टीचर्स और हर बच्चों को भी ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। सारे पेरेंट्स यही सोच रहे होंगे कि हमको भी ये मौका मिलता काश जो हमारे बच्चों को मिला है, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। और जितने यहाँ पेरेंट्स बैठे हैं उन सभी को भी यही लग रहा होगा कि काश हम भी बच्चे होते और हमारे माता पिता यहाँ उपस्थित होते। जिस तरह से हम हमारे बच्चों को जो प्यार बता रहे हैं वही प्यार हमारे माता पिता हमको बताते, इससे ज्यादा और मैं क्या बोलूँ माता पिता के लिए, क्योंकि जितना बोलो उतना ही उनके लिए कम है। राम मूर्ति की स्थापना हुई है, इतने वर्षों के बाद हमें
अयोध्या में अपना यानी कि अपना घर वापस मिला है ये कह दे। उस इतने बड़े दिन पर आज मातृ पितृ पूजन का आयोजन करना ये सिर्फ सोच मेरी नहीं थी, मेरे स्कूल के जितने भी स्टाफ मेंबर हैं, जितने भी बच्चे हैं, सभी ने ये अपना अपना विचार हमारे आगे रखा था कि सर इतने बड़े दिन पर अगर मातृ पितृ पूजन रखा जाए, इसलिए आज मातृ पितृ पूजन रखा गया और आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित रहकर इस प्रोग्राम को सफल बनाया, इसलिए मैं तहे दिल से आप सबका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु श्री राम आए हैं और अयोध्या में उनकी मूर्ति आई है, तो आज का दिन बहुत ही अच्छा है और हमारे स्कूल में मातृ पितृ पूजन हुआ, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और यह हमारे लिए बहुत ही अच्छा है।